as you can see that's this question is asked in CBSE 2010. ठीक है, तो ऐसे questions को करने के लिए पहले we need to simplify the expression before judging whether it is a rational number or irrational number. So you know that root 45 it can be written as 5 into 3 into 3. ठीक है, prime factorization आप कर लें, 3 3 is 9, 5 is 45. 3 का pair बन रहा है तो 1 3 will come out. ये 3 root 5 बनने वाला है simplification के बाद. ऐसे ही root 20 अगर आप इसे सिंपलीफाई करें तो 2 2 is 4, 4 5 is 20. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिया, ये 2 का पेयर बन गया तो 1 2 विल कम आउट 2 रूट 5. नाउ द क्वेश्चन इज 2 रूट 45 प्लस 3 रूट 20 अपॉन 2 रूट 5. नाउ इट कैन बी सिंपलीफाइड एज 2 रूट 45 की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 रूट 5 लिखेंगे. So 3 root 5 will come over here, then 3, इस root 20 की जगह आप लिखेंगे 2 root 5, ठीक है, 2 root 5, divided by 2 root 5, so it will be 2 3s are 6, 6 root 5, plus 3 2s are 6 root 5, upon 2 root 5. ठीक है, 6 रूट 5 प्लस 6 रूट 5, जैसे 6x प्लस 6x अगर हम लिखते हैं तो ये 12x बन जाता है, तो 6 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 ये 12 रूट 5 बनने वाला है आपका अपॉन 2 रूट 5. ठीक है, तो ये रूट 5 एंड रूट 5 विल कैंसिल आउट एंड 2 6 इज 12, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज 6. नाउ 6 कैन बी रिटन एज 6 अपॉन 1, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. ठीक है, p एंड q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q दोनों को प्राइम होने चाहिए. ठीक है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये आपका इट इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, क्वेश्चन को देखने पे लगता है बहुत सारे रूट हैं तो ये इरेशनल है, बट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन कंक्लूड, यू कैन जज दैट इट इज अ रैशनल नंबर. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय.